देखो, मैंने तो पहले भी बोला था कि मौज एप्लीकेशन पर मिंट्स मिल रहे हैं, और आप लोगों ने बिल्कुल यकीन नहीं किया। आज से 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, और उन 3 दिन में अब तक रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं क्रिएटर्स के। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और डीपली एक्सप्लेन करते हैं कि किन किन क्रिएटर्स को ये मिंट्स मिले हैं, और टॉपिक करते हैं शुरू। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट वही आपको मिलती है। खैर, आज थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है, तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ अपडेट ज़रूर रखेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मुझे सिर्फ 1000 वोट चाहिए कि मैं लाइव पर किस वक्त आ सकता हूँ, यानी कि मौज पर किस वक्त लाइव आ सकता हूँ। छोटा सा काम करना है, चैनल में अभी जाना है, कम्युनिटी सेंटर में जाना है, और एक वोट कर देना है किसी भी टाइम पर। 3 टाइम दिए हुए हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा वोटिंग है बस मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और ये जो प्रॉब्लम रोज़ रोज़ हो रही है, ये लाइव में बैठ कर हम सॉल्व करें ज़्यादा अच्छा है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं आज का। मैंने आपको 3 दिन पहले एक टॉपिक बनाया था, और उस पर मैंने बताया था कि मौज पर इस वक्त क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, और इस क्रिकेट के सीज़न में एक नया हैशटैग है, जो कि हैशटैग क्रिकेट फीवर है। इस हैशटैग क्रिकेट फीवर में 1 लाख रुपए आप जीत सकते हो, जिस पर मैंने पूरी वीडियो बना चुका हूँ, चाहो तो आप वो भी जाके देख लेना। यहाँ पर आज उन सभी क्रिएटर्स को मिंट्स मिल चुके हैं। अब वो क्रिएटर्स कौन कौन से हैं, ये मौज ने खुद अनाउंसमेंट करे हैं। टॉप 10 क्रिएटर्स हमारे सामने हैं, और इनको 1-1 हज़ार मिंट्स मिले हैं, यानी 10,000 मिंट्स 10 क्रिएटर्स को मिले हैं। और गिफ्टर्स भी इसमें शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिएटर्स को मिले, गिफ्टर्स भी शामिल हैं, जिन लोगों ने गिफ्ट करे हैं। तो ऐसे आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो मौज पर, और ये वीकली मिलना है। उन्होंने बताया है कि ये वीकली मिलेंगे। अगर आप भी इसी तरह की वीडियो बना रहे हो हैशटैग क्रिकेट फीवर में, आप अपने क्रिकेट का कोई भी बुखार चढ़ा हुआ है वो वीडियो के माध्यम से बता रहे हो, तो आप लोगों को अर्निंग होगी, ये डेफिनेटली तय है। मौज खुद कह रहा है इस बात को। तो बस आप लोगों से भी वही चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आप कंटेंट बनाने पर इतने ध्यान रख रहे हो, तो हैशटैग पीछे मत छोड़ो। कई हैशटैग आ रहे हैं जिन पर अर्निंग हो रही है, जिनमें से एक ये हैशटैग है, और भी बहुत सारे हैशटैग हैं। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो आप लोगों को तो बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बस 1 लाख सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। और आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना। आवाज़ फिर भी बैठी हुई है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद।